फोन तो अपनी ऐसे साथ साथ रखते जैसे आपकी जान होती है। पागल मैं। ये वाला थप्पड़ पड़ना चाहिए, फिर असर होगा, फिर अच्छे से असर होगा। पापा को तो मैं बताऊंगी बेटा, अभी तो ये एक बात है जो पापा को पता चलेगी, पापा डांटेंगे। फाइनली मैंने हिम्मत करके यहाँ तक आई गई हूँ, खाने में मसरूफ़ है, उनकी अम्मा पता नहीं। हाय गाइज़, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हिरा फैसल। और आप जानना चाहते हैं कि ये इसकी हालत ऐसे कैसे हुई, ऐसे ये रो क्यों रही है, इतनी टेंशन में क्यों है, तो ये जाने के लिए तो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। हाँ, ये किस चीज़ की केयरलेस वाली बात कर रही है और क्यों चुप कर मोटी, कौन आंसर नहीं कर रहा है, ये आपको अभी आगे की कहानी पता चलती है कि हम यहाँ पे बैठे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं और क्यों वेट कर रहे हैं। पहले देखें क्या किया, अपना फोन घुमा लिया तुमने जैनब। स्कूल क्यों लेके जाती हो फोन? स्कूल लेके आज हमने तो आज लेके गई, तो रखा किधर है फोन? बेल दूं? रुक जाओ, वेट। मम्मा वैन वाले का नंबर है। घुमा नहीं है, छोड़ा ही है वैन में शायद। अभी अभी तुमने नया फोन लिया 13 Pro Max जैनब का भाई। हाँ, कह रही है पिक्चर्स लेनी थी। वही मैं कह रही, कॉलेज लेके गई स्कूल। तुम्हें किसने कहा था ये स्कूल फोन लेके जाओ? तुम्हें अलाउ किसने किया? इधर आना जरा। वैन वाले का नंबर नहीं है मेरे पास। अपने तुमने कहा तो देखो पहले, यहाँ देखो, जल्दी कॉल करो पापा को। क्या कह रहे हैं पापा? कह रहे हैं कि अच्छा भेजा नंबर। ये अच्छा वैसे सही है, तो अब नंबर भेजेंगे फिर तुम कॉल करोगी। और ऐसे तुम गोदी से उठ गया होगा, नीचे ना गिर गया हो। बाहर रोड पे देखो, आवाज तुम्हें फोन बताएगा, हाय जैनब मैं गिर रहा हूँ। बाहर देखते हैं ना, बाहर उतरी हो ना तुम। ये नतीजा तुम्हें एक्स्ट्रा चीज अच्छी लेके देने का। और मुझे समझ नहीं आ रही है तुम स्कूल लेके क्यों गई हो? अगर यहाँ गिरा हुआ तुम्हें कोई देगा क्या जैनब? मैडम आपका फोन गिरा हुआ है। नंबर आ गया पापा को, रुक जाओ जल्दी कॉल करो। अभी तो मैं पापा को बताऊंगी जैनब दे देना फोन घुमा के। तू पुत्र चाहे कट्टी हो चाहे जो मर्जी हो, ये गलती माफ करने वाली नहीं है। तो उसने देखना भी तो होगा ना जैनब। और अगर इधर कहीं गिरा हुआ, फिर इधर से तो गिरा हुआ किसी ने देना भी नहीं है। अब जूता तो पहन लेती जैनब, शूज़ भी नहीं पहने, ऐसे ही खड़ी हुई हो। हेलो अंकल, मैं जैनब बात कर रही हूँ। मैं जैनब बात कर रही हूँ। उन्हें पता वो ना, वो जो वैन वाले अंकल है ना नफीस की, उनकी वैन में शायद मेरा फोन रह गया। आप उनको कॉल करके कह सकते हैं एक बार आकर दे दें। फोन घूमने की इतनी टेंशन के मतलब जी जी, उनको जल्दी कह दें, वो अभी अभी गए हैं। उनको बोलो पहले देख तो लें, अपने बैग में देखो। आप कौन है? अपने वैन वाले से ऐसे कर मत करें। सॉरी सॉरी गलती हो गई। अच्छा नफीस अंकल का नंबर आप भेज सकते हैं? अच्छा मतलब अपने वैन वाले का नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास? एक वैन वाले को कॉल किया, उससे कहा है कि भाई मेरे वैन वाले का नंबर भेजो, तब तक वो अपने घर पहुंच के बैठ के खाना खा के नहा धो के सो भी गया होगा। जी नज़ाकत, नज़ाकत नफीस वैन वाले का नाम ही नहीं पता, नज़ाकत है कि नफीस है। सीरियसली जैनब सही है, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। वैसे कितनी फ़नी बात है, तुम्हें ये भी नहीं पता नज़ाकत नाम है कि नफीस। सब आया की गलती है ये जैनब। एट दी एंड ना गलती आपकी अपनी होती है, किसी की भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही है, मैंने तुम्हें वो गिफ्ट दिया था। मैंने भी नहीं बल्कि पापा ने दिया था तुम्हें गिफ्ट। अभी नंबर भेजेगा, फटाफट कॉल करो। उतनी देर अंदर जाके अपने बैग्स देख लो ना। इतना केयरलेस, मतलब फ़ोन तो अपनी ऐसे साथ साथ रखते जैसे आपकी जान होती है। पागल मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इस चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें ये वाला थप्पड़ पड़ना चाहिए, फिर असर होगा, फिर अच्छे से असर होगा। ये तो ऐसे तो कोई भी मार लेता है, ऐसे तो तुम्हें पापा भी मारेंगे। नहीं पापा को तो मैं बताऊंगी बेटा, अभी तो ये एक बात है जो पापा को पता चलेगी, पापा डांटेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से व्लॉग बनाऊंगी। यूहू मुझे मज़ा आएगा, मुझे क्योंकि मज़ा आ रहा है। जैनब की वाट लगनी है, तो अभी पहले राबिया की वाट लगी थी, अभी फिर जैनब की लगेगी, तो हिरा को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो जी, तुम्हारा बहन वाला भी कॉल नहीं उठा रहा है। ओए उसने फ़ोन बंद तो नहीं कर दिया? तुम्हारा फ़ोन लेके भाग तो नहीं गया? अपने फ़ोन पर कॉल करो दोबारा से। हाँ अपने फ़ोन पर कॉल करके देखो कि तुम्हारे पास आता है कि नहीं। सच में जैनब मामा डांटेंगी तुम्हें। ये बहुत केयरलेस की जो हाइट होती है ना, वो है। फ़ोन उठाया भी नहीं, अब जा रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा है। मैं जा रही हूं, मेरा साइलेंट मोड पे। वाह उठा जैनब, कॉल उठा। जैनब इधर बैठी हुई है, जैनब कॉल उठा, खुद ही कॉल उठा। मेरे साथ क्या हो गया, देख लो ऐसे जिंदगी बदल जाती है। पहले इसको छोटे फ़ोन से अच्छा वाला फ़ोन लेके दिया 13 Pro Max, और अब घुमा रही है। तो अब कह रही है एकदम से ज़िंदगी बदल जाती। ज़िंदगी आप खुद बदलते हो, कोई नहीं आपकी ज़िंदगी बदलता। आप इतने केयरलेस, मतलब स्कूल कौन फ़ोन लेके जाता। अभी हमने पिक्चर्स लेने, जल्दी उठाओ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहले पूछ फ़ोन किधर है। जी जी आप उन्हें भेजें, मैं खुद एक बार चेक कर लेती हूँ। ये तो मैं पापा को मसाला लगा के बताऊंगी। पता नहीं एकदम से मैंने अपनी गोद में रखा हुआ था वो, अब मैं घर आई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। शुक्र करो नीचे नहीं कहीं गिर गया। जी जी वो अभी करती हूँ। मेरा ऐसे एक दफ़ा वॉलेट घुमा था, उसमें मेरा आईडी कार्ड है, मेरा कैश, एवरीथिंग था। वो तो क्या है, वो बैरिया ऑर्चर्ड से उन्होंने बच्चा छोड़ने थे, लेकिन वो भी नहीं छोड़ रहे, आ रहे हैं डायरेक्ट इधर। हाँ। देख लो खुद एक बार। अच्छा उसमें अभी गारंटी भी नहीं है कि उसमें है कि नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने गिराया तो नहीं था। गिराने की बात नहीं, जाना किसी फ्रेंड ने पकड़ के बैग में डाल लिया, और फिर किसी की गारंटी दे सकती हो तुम यहाँ पे। बैठी वैन खाली थी, फिर ठीक है वैन खाली है तो अब कितनी देर में आएगा वो, पता नहीं आ रहा होगा। मैं तुम्हारा बैग कहाँ से चेक कर लूँ। सीरियसली अब बाहर वेट करते हैं, रुक जाओ। मैं तो कह रही हूँ अंदर से 2 चेयर्स निकाल के ले आओ, हम इधर बैठ के वेट कर लेते हैं सुकून से। उसको आने में टाइम है सच में। नहीं वो आ रहा है तो इधर बैठ जाते हैं। बैठो तुम भी। तुम बैठोगी तो मैं बैठूंगी ना। आई सुकून आ गया। अगर तो ये वैन में हुआ ना तो मुझे एक कहते हैं ना कि न्यूज़ चैनल वाला चाहिए, अगर ना हुआ तो क्या होगा। अल्लाह करे हो, मेरा दिल कह रहा होगा, क्योंकि जब आपने किसी का बुरा किया नहीं ना होता तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता। जाना मेरा स्कूल मेरा सब बंद हो जाए। जी ऐसे कहता है, सोनिए पराना नहीं पराना चाहिए, सोनिए फोन नहीं आई फोन 13 चाहिए। फोन को कॉल भी करती रहती हूँ। वो ना कहीं गिर गया होगा नीचे, नीचे गिरा होगा कहीं स्पेशल। बस अंकल ईमानदार हो, आते जाते घर में ढूंढ रही है। यार मैंने फ़ोन में पागल हूँ, मैंने इधर रखा है मिल नहीं रहा। भाई लेके आई होगी तो मिलेगा ना। तो मैं फ़ोन क्या नजर अपने आप को कॉल करने लगी, तो उठाएगा कौन। जैनब तो यहाँ बैठी है। ओहो दोबारा करती जाऊँगी ना, क्या पता अंकल को कुछ कुछ आवाज़ आ जाए। अंकल की नीयत ना बदल जाए, फिर उसका काम खराब, फिर वो अंकल की गलती होगी। नहीं फिर भी वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि यहाँ पे नीयत बदलते टाइम नहीं लगता लोगों की। ये मेरा फ़ोन नहीं है जैनब, राबिया का फ़ोन है। हर ये फातिमा का फ़ोन है। हर फ़ोन के अंदर तुम्हारा नाम डिफरेंट नाम से सेव होगा। जैनब फैसल के नाम से सेव किया है। अब सेलिब्रिटी को कॉल, फातिमा की तो वो ही नहीं है, कॉल नहीं जाती। दुआ करो जल्दी जल्दी वो आ जाए बस। अब सो ये फाइनली कोई वैन आई है। ये तुम्हारी वैन है जैनब की। फाइनली वैन आ गई, अब हम खुद ही चेक करते हैं। देखो जैनब शूज़ देखो किधर है, देख लो कहाँ पे था। दुआ करो मिल जाए, इधर ही हो कहीं। मैं कॉल करूँ तुम्हें। हाँ। रुक जाओ। आप लोगों ने देखा कोई? फिर आपने पहले तो देखा अपना फोन। हाँ मैंने गोदी में रखा था अपना। तो जैनब उतरी किधर थी तुम? यहाँ बैठी हुई थी। मुझे लग रहा है अगर यहाँ नहीं है तो घर है, क्योंकि मैं अभी सोसाइटी में एंटर होने के पहले मेरा हाथ में था मेरा फोन। फिर भी देख लो इधर, अगर नहीं है तो फिर घर पे चेक करते हैं, या जहाँ चेक कर लो, या जहाँ उतरी हो वहाँ पे होगा, क्योंकि मैं कॉल कर रही हूँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इधर ही कहीं है। इधर नहीं है, नहीं तो घर में कोई नहीं। घर पे चेक किया है, लेकिन घर पे भी इसने साइलेंट पे लगाया हुआ है। इसके नीचे देखो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि गिर के ना इधर उधर कहीं अटक जाता है। मुझे आइडिया नहीं है। नहीं जैनब यहाँ नहीं है, वरना वाइब्रेट हो जाता। मैम को सारी को देख लो, फिर मुझे नहीं कहना अंकल, क्योंकि मैं इसलिए बच्चे भी नहीं मैंने तो छोड़े, मैं वापस आया हूँ, क्योंकि फिर ऐसे आपके दिल में भी शक होगा अंकल ने गायब कर लिया है। नहीं नहीं वो बात नहीं, पता भी नहीं होगा कहाँ गिरा है फोन। मुझे क्या पता, मैं आगे वैन चला रहा हूँ, मैं कौन सा पीछे देख रहा हूँ। एक मिनट इधर ही रुके, मैं जरा अंदर से फोन। उन बच्चों को याद है कि आपने सेल्फी के लिए ये कहा था और ये कहा था, तुम्हें याद नहीं कि तुम फोन लेके गई हो कि नहीं। चलो अब पहले हम थोड़ा सा अंदर भी देखाते हैं। वैन तो आ गई है, लेकिन जैनब फिर जैनब हुई ना। जैनब हमारे सबसे घर में केयरलेस बच्चा है, तो हम दोबारा से अंदर चेक करते हैं जाके। देखो अपना बैग देखो जैनब, पहले अपना देखो इधर से जल्दी, बैग में देखो मिला है कि नहीं। तो मेरा बैग ही नहीं है। क्या मतलब ये फोन है अंदर। ओह माय गॉड, मतलब तुम तब से राबिया का बैग देख रही थी। उसने भी मेरे जैसा लिया, मुझे लगा वो मेरा बैग है। मैं देखती हूँ हल्का है। हाँ मेरी जान, इससे पता लगता है आई एम नॉट गर्ल। तो तुमने वैन वाले अंकल को रोको, वो उनको बोलो चले जाए। मतलब इतने सेम बैग भी नहीं होने चाहिए। ये राबिया का बैग है, जैनब का बैग है, और कलर का बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है। खुश हो लो बेटा, तुम्हारी पापा से बच गई आज। मैं तुम्हें तो पापा से मैंने इतनी मसाले लगा के बतानी थी ना बातें, इससे पता लगता है आई एम नॉट केयरलेस। यू आर केयरलेस जैनब, यू आर। तुम्हें पता ही ना कि यार मैंने, और तुम्हारे पता है यहाँ पे केयरलेस क्या हुई है, तुमने वैन वाले बेचारे को बुलाया इतनी दूर से, वो बेचारा डर गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो फोन नहीं है वो, फिर भी उसके बैग में कब से चेक कर रही थी। पर फिर भी जैनब अपने आके कह रही है यार मैं कितनी पागल हूँ, मेरा मिल नहीं रहा फोन में, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। मैंने कहा यार एटलीस्ट अपने अंदर अपनी चीजों में तो देख लेती पहले। ओके सर, पापा आ चुके हैं। पापा को मैंने बताया नहीं, तुमने पापा से वैन वाले का नंबर मांगा। ऐसा नहीं सकता कि मुझे पता लगा ये मोबाइल भूल गई गाड़ी, जब आपने कहा ड्राइवर का नंबर दे दे मुझे, मैंने कितनी बदतमीजी करती जा रही है। फातिमा ने बताया स्पेशली, नहीं बताया उसने वैसे पापा को वैन से। नहीं मैंने ही बताया, मैंने पापा कहते कॉल क्यों करवा रहे थे वैन वाले को। मैंने कहा जाना मोबाइल भूल गई थी। मैं तो नहीं भूली, कुछ हुआ ही भूल नहीं गई थी, लेकिन इसको ये नहीं था कि है किधर। मैं ना नहीं डांटे अच्छे वाला, मैंने कहा मैंने बैग में रखा है, कहाँ है। मैं राबिया का भी मेरे जैसा बैग है ना। पहली बात है स्कूल में मोबाइल लेके जाने का लॉजिक ही नहीं है। हाँ बस समझ रही कितना चीजें हो कितना चला क्या ये। अब जैनब नाराज हो गई, बदतमीजी करता है तो फिर तेरे से बदला लेने का मौका कब मिले, यही तो मौका है। मामा मुझे पता है कि क्या कह रही है, मेरे तुम्हारी हिस्से की तुम्हारी जो खुशी की मिठाई है ना, इनको खिलाई है आपने। ओह माय गॉड, डॉगी को खिलाई है, वो भाग गया बेचारा। ओह माय गॉड कितने प्यारे। तो मामा छोटे छोटे से आई मुझे रखने हैं, घर एक रख लूँ, बहुत प्यारे हैं ये हैं। वो उधर डर के चली गई है अपनी टोकरी को साफ कर, खुद वहाँ जाके बैठ गई टाइगर बन के। वो मुझे लगता है हमसे डर के चली गई, पहले खा रही थी इधर। दोनों छोटे छोटे, इनको कब्स कहते हैं ना शायद, नहीं वो तो शेर के बच्चे होते हैं ये पपीज है, इनको पपीज कहते हैं। पपीज जैसे क्योंकि राबिया कहती है पपीज जैसे लग रहे हैं, तो ये बहुत ही प्यारे। मैं इनके पास जाने की कोशिश करती हूँ बट प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ना इनकी अम्मी, प्लीज़ मैं एक अच्छी लड़की हूँ। ये मामा आपने मिठाई के अंदर और भी कुछ डाला है, वो कुछ और भी खा रहे हैं। नीचे कैसे जाऊँ, वो शीरा नहीं लगा होता वो चीज़ में। अच्छा तो थोड़ी सी और ला दे उन्हें, रोटी ला के डालते हैं, बड़ी भी है ना रोटियाँ, वो भिगो के इनको देते हैं। तो भाई आज से मुझे नए पपीज़ मिल गए हैं और हम इनको इधर ही खाना डाला करेंगे। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे इनके पास जाना है, ठीक है। कोई गिर ना जाऊँ मैं बस। जी मम्मी मुझे डर लग रहा है, तेरा जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी है, टांगों पे काट लेगी आके, अब्बे को लेने। पपीज़ पपीज़ ये ना हो बच्चे ही पड़ जाए मुझे। ओए वो आ रही है वो आ रही है, भाग। अभी फाइनली मैंने हिम्मत करके यहाँ तक आई गई हूँ, खाने में मसरूफ़ है। उनकी अम्मा पता नहीं मेरे पीछे दोनों मुझसे डर के भाग गए थे छोटे बच्चे। मैंने कहा था हिरा ट्रुथ और डेयर, हिरा ने कहा डेयर, और उन्होंने कहा हिरा हम तेरे पीछे लग रहे हैं। शिट मैन, मुझे लगा वो मेरे पीछे आ रहे हैं। अच्छा उन्होंने सफाई कर दी है पूरी, साफ कर दी है। हाँ फिर तू लॉक के चक्कर में ना अपनी टांगें गवा ले मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मुझे खतरा मोल लेने की आदत है। आई एम अ फाइटर, मतलब कुत्तों से नहीं लड़ सकती लेकिन ठीक है। मामा वो मुझसे नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्या बदतमीजी है, क्या है, मैंने कहा है कुछ खाओ चुप करके। मम्मा उन्हें खाने दे बेचारे, कि छीन ही ना ले हम। मैंने कुछ कहा है नहीं ना, चुप करके खाना खाओ अपना, बदतमीज़ डॉगी ना हो तो क्यूट है, बहुत क्यूट है, लेकिन मुझे इनसे इस चीज़ पर डर लगता है कि अपने पास नहीं आने देते हैं। जा रहा है, बाय बाय बाय। एक तो चला गया खाना खा के, शुक्र है। ओए क्या है क्या है क्या है, मम्मा ये पीछे ना पड़ जाए बस मेरे। ठीक है शुक्र है मुझे थोड़ा सा दूर खड़ी। देखो ये मेरी अम्मा ने मिठाई दिया तुम लोगों को, खा लो आराम से, बाय मैं जा रही हूँ। घूर क्यों रहे हो, अब तो जा रही हूँ, जा रही हूँ, अब तो जा रही हूँ, जाने भी नहीं दे रहे। देख लो पहचान कर लो, तुम लोग को और खाना भी मिलता अगर तुम लोग मेरे से दोस्ती करते तो। मैं इसीलिए चिड़ियों को खाना देती हूँ, वो मुझे डांटती नहीं है ना, ये लोग तो तंग करते हैं। बेचारा ना बड़ी ही मेहनत से खा रहा है, अंदर से ना हम थोड़ी सी और मिठाई लेके आते हैं। चलो कोई बात नहीं, काजा से ज़्यादा काट ही लेगा ना, टांग पे चोट लग जाएगी ना, खाना तो दे सकते हैं ना। मैंने तो और मिठाई लेने जा रहे हैं। कहाँ से लूँ? तो भाई हमने थोड़ी सी मिठाई रख ली है हाथ में। अब मम्मा आप अंदर नहीं आएंगे, आप मेरे साथ चलेंगी, मुझे ऐसे ही काट कूट ना ले। वो पहले भी आप ही ने डाले थे, अब भी आप ही डालेंगी। तो अब हम ये मिठाई लेके जा रहे हैं अपने क्यूट से पपीज़ के लिए। चले आए जल्दी आए। चले तो नहीं गए। और छोटे वाले को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भूख लगी है और मुझको बोल भी सबसे ज़्यादा रहा था। ये देखो हम खाना लाए तुम्हारे लिए। मम्मा कहाँ से जाऊँ? वो ना चाट रहा खाली बॉक्स को। मानो मम्मा वो बिल्ली नहीं है, देख रहे हैं ये देखना भैया आजो डर रहा है मुझे लगता है। और आजो आजो देख लिया उसने। आजो पीछे हो जाए, खुद ही आ जाएगा। मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं, छुप के खड़े होते हैं, कानी आँख से देखते हैं ऐसे करके कि कब आएगा। ठीक है वो खाली डिब्बा ही चाटने लगा हुआ है, मज़ा उसको ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे। ओके सो हम लोग मिठाई वगैरह रख के आ गए। उन्होंने खानी होगी तो खुद ही खा लेंगे। शायद हमें देख के डर गए थे तो इसीलिए वो खाने नहीं आ रहे थे। तो बाकी का काम करते हैं। तो भाई मेरी अम्मा ने मुझे ना दिया है धोखा। तब राबिया और ख़ुद चली गई हैं कहीं, पता नहीं किधर, गेस्ट को क्या मिठाई मिठाई बांट। खैर हम लोग अब बना रहे हैं, मुझे भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ और चाय रख ली है अपने लिए। भाई कोई आपकी केयर ना करे, आपको अपनी केयर खुद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने आप को ट्रीट दी है फ्राइज़ से।